आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और यूनिक साबूदाना का खीर, जिसे बड़े तो खाएंगे ही, बच्चे भी बहुत पसंद से खाएंगे। ऐसा साबूदाना का खीर अगर आप बनाएंगे तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। अगर आप इस तरह से साबूदाने की खीर को बना ले तो आपका बार बार बनाने का इच्छा होगा और इस खीर को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, सुगंधाज किचन में आपका स्वागत है। इसे बनाने के लिए क्या करें कि सबसे पहले साबूदाना को ले। यहाँ पे देखिए, मैंने मीडियम साइज वाले साबूदाना को लिया है। साबूदाना को अच्छी तरह से धो करके साफ कर लें और इसमें क्या करेंगे कि 4 से 5 चम्मच के करीब पानी डाल दें और इसे 2 से 3 घंटा के लिए ऐसे छोड़ दें। आपका साबूदाना है ये देखिए, बहुत ही अच्छा से सॉफ्ट हो जाएगा। और तब क्या करें कि कढ़ाई या पैन लें, इसमें डाल दें 1 बड़ा चम्मच के करीब घी और घी को अच्छी तरह से गर्म कर लें। और घी जैसे ही गर्म हो जाए, इसमें डाल दें ये साबूदाना जो हमने साबूदाना को फुलाया था, और इसे क्या करेंगे कि कुछ सेकंड के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे। साबूदाना को भूनने के लिए आप इसमें घी डाल दें, आपका साबूदाना बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अगर आपको लगे कि साबूदाना जो है आपका चिपक रहा है तो क्या करें कि आप नॉन स्टिक पैन में इसे भूनें। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज वाले साबूदाना को लिया है, आप चाहे तो छोटे वाले साबूदाना को भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने लोहे की कढ़ाई को लिया है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा साबूदाना है बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। और यहाँ पे जो हमारा साबूदाना है अच्छी तरह से भून गया है। मैंने इसे ज़्यादा देर नहीं भूना है, बस कुछ सेकंड के लिए भूना है। तब क्या करेंगे कि गैस को बंद कर दें और इसे एक प्लेट में निकाल लें। और यहाँ पर देखिए, मैंने 1 लीटर दूध को लिया है और इसे अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। और तब क्या करेंगे कि इसी में हम साबूदाना को डाल देंगे। तो दूध को अच्छी तरह से बॉयल कर लें और इसी में साबूदाना को डाल दें। यहाँ पर मैंने 1 लीटर के करीब दूध को लिया है। दूध की मात्रा आप थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हैं। आप इस तरह से साबूदाना के खीर को बनाएंगे तो आपका जो खीर है 2 मिनट में बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, भुनने के बाद भी जो हमारा साबूदाना है कितना सॉफ्ट हो गया है, ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा साबूदाना है बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसे 2 मिनट के लिए और दूध में पकाएंगे। अगर आप इस तरह से साबूदाना की खीर को बनाएंगे तो बहुत देर तक दूध में इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साबूदाना को फूलने के लिए नहीं छोड़ेंगे तो दूध में बहुत देर उसे पकाना पड़ेगा, इसीलिए आप साबूदाना को धो करके उसे 2 से 3 घंटा के लिए फूलने के लिए छोड़ दें। आपका जो साबूदाना है 2 मिनट के अंदर बन जाएगा। और यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पे साबूदाने को 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब क्या करें कि गैस को लो करें और इसमें डाल देंगे ये गुड़ के बुरादे को। आप चाहे तो इसमें चीनी को भी डाल सकते हैं, या मिश्री को, या आधा चीनी आधा गुड़। मैंने यहाँ पे सिर्फ गुड़ को ही डाला है क्योंकि यहाँ पे मैं टेस्टी और हेल्दी साबूदाने की खीर को बना रही हूँ। और क्या करेंगे कि गुड़ डालने के बाद गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट कर लें, गैस को बिल्कुल लो रखें। और साथ में डाल देंगे, बस थोड़ा सा डाल दें, इसमें इलायची का पाउडर डाल दें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और यहाँ पे हमारा जो गुड़ है अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, गैस को बंद कर दें। साबूदाना जो होता है बहुत ही हेल्दी होता है, तो आप चाहे साबूदाने की खीर को ऐसे ही खा सकते हैं। लेकिन जब बच्चों को दें तो क्या करेंगे कि यहाँ पे ले थोड़ा सा डेरी मिल्क या कोई भी चॉकलेट को हल्का सा इस तरह से ग्रेट कर लें। आप इस तरह से साबूदाने की खीर को बच्चों को दें, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि आप किस चीज़ की खीर उन्हें दे रहे हैं, और बच्चे बहुत ही पसंद से खा भी लेंगे। बहुत ज़्यादा चॉकलेट को इसमें ग्रेट नहीं करें, बस हल्का सा डालें ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और यम्मी साबूदाने खीर बनकर के रेडी है। ये जो गुड़ वाले साबूदाना के खीर है, जो आप इसे व्रत में तो बनाएंगे ही, ये इतना टेस्टी लगता है कि आप इसे बिना व्रत में भी बनाएंगे। ये साबूदाना का जो खीर है, आप इसे ठंडा या गर्म जैसे चाहे सर्व करें। ये साबूदाना का खीर जो है बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा, तो आप इसे ज़रूर बना कर ट्राई करें।